गुड मॉर्निंग, आप सब लोगों का एक बार फिर से हमारे एके इन्फो के बिहार झारखंड यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज हमारे पास एक लेनेवो का लैपटॉप आया है, लेनेवो आइडिया पैड 110 है। इस लैपटॉप में पहले से विंडो 10 डाला हुआ है, जैसे कि आप देख सकते हैं ये विंडो 10 है इसमें। और कस्टमर का डिमांड क्या है इसमें, एक स्टूडेंट है, उन्होंने अपने कस्टमर का लेकर के आया लैपटॉप। अब उनका एक डिमांड है कि इस लैपटॉप में विंडो 11 इंस्टॉल करना है। लैपटॉप काफ़ी लो कॉन्फ़िगरेशन का है और इसमें विंडो 11 इंस्टॉल करना है। और जब हमारा स्टूडेंट इसमें विंडो इंस्टॉल करने के लिए जा रहा है विंडो 11, तो एक एरर आ रही है। क्या एरर आ रही है वो हम आपको दिखा देते हैं। तो इस पेन ड्राइव में हमने पावर आईएसओ से विंडो 11 का बूटेबल बनाया था और इसी से जब इंस्टॉलेशन करने के लिए हम जा रहे हैं तो एक एरर आ रही है। जैसे हम बूट कराने के लिए, चूंकि लेनेवो का लैपटॉप है, तो Fn और F12 प्रेस करके साथ में बूट ऑप्शन को ओपन करेंगे। जैसा कि एक बार फिर से पेन ड्राइव को निकाल के लगाएंगे और कंट्रोल डिलीट करके रिस्टार्ट, Fn बटन प्रेस करके F12 प्रेस करते रहिए। देखिए पेन ड्राइव शो कर रहा है USB SSD USB 3.2। अब इसको सिलेक्ट करके जब आप एंटर करेंगे तो विंडो 11 का सेटअप जो है वो लॉन्च होगा। ये आप लोगो देख सकते हैं, विंडो 11 की लोगो है। इसमें प्रॉब्लम यही आ रही थी, स्टूडेंट जो है उन्हें इंस्टॉलेशन वगैरह सब करने आता है, लेकिन इस लैपटॉप में विंडो 11 उनसे नहीं हो रहा था। वो लेकर के आया कि सर देखिए इसमें क्या प्रॉब्लम है। तो हमने सोचा कि इसका एक वीडियो बना लिया जाए और आपको भी ये शेयर करके दिखाया जाइए। ऐसा फॉल्ट मार्केट में आते हैं, पुराने जो लैपटॉप होते हैं उसमें विंडो 11 इंस्टॉल करते हैं तो समस्या आती है। अब उस समस्या को कैसे सॉल्व किया जाए वो हम आपको बताएंगे इस वीडियो में। जैसे यहाँ पर नेक्स्ट करते हैं, स्टेप को प्रोसेस आगे करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं सब इंस्टॉलेशन के स्टेप्स हैं। प्रॉब्लम क्या आ रही है वो देखिए। अब यहाँ पर आई डू नॉट हैव प्रोडक्ट क्लिक करेंगे, स्टेप्स को आगे बढ़ाएंगे जैसा कि इंस्टॉलेशन में होता है। विंडो 11 प्रो, जैसा कि आप देख रहे हैं विंडो 11 प्रो ही है। नेक्स्ट करते हैं। ये देखिए यही एरर आ रहा है। एरर में क्या है, दिस पीसी डज नॉट मीट द मिनिमम सिस्टम रिक्वायरमेंट टू इंस्टॉल दिस वर्जन ऑफ विंडोज। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन क्लिक ऑन दिस लिंक। अब ऐसा एरर इसलिए आता है कि विंडोज 11 को इंस्टॉल होने के लिए उसकी कोई रिक्वायरमेंट है। रिक्वायरमेंट ये है कि उस लैपटॉप में ही ये विंडो 11 या उस सिस्टम में ही इंस्टॉलेशन हो सकता है जिसमें TPM 2.0 चिप लगा हो। TPM एक छोटी सी चिप होती है जो सिक्योरिटी प्रोवाइड करती है। आजकल के न्यू लैपटॉप जो होते हैं 10th जनरेशन, 11th जनरेशन, 13th जनरेशन या 8th जनरेशन के जो लैपटॉप होते हैं उसमें TPM चिप 2.0 पहले से लगा हुआ आता है। अगर ये चिप नहीं रहेगी तो विंडोज 11 इंस्टॉल नहीं हो पाएगा। अब चूंकि ये लैपटॉप लेनेवो का है, लो कॉन्फ़िगरेशन है, इसमें TPM 2.0 है नहीं, तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे किया जाए। तो इसके सॉल्यूशन के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें एक पेन ड्राइव को फिर से बूटेबल बनाना पड़ेगा विंडो 11 का। इस बार हम रफस एप्लीकेशन का इस्तेमाल करेंगे। तो कैसे बूटेबल बनाया जाता है वो हम यहाँ पर आपको दिखा सकते हैं। जैसे इसी पेन ड्राइव को हम फिर से लगा देते हैं सिस्टम में और इसे फॉर्मेट करते हैं। जैसे ये पेन ड्राइव हमने लगा दिया, इसको फॉर्मेट कर लेते हैं। फॉर्मेट करके इसको फिर से बूटेबल बनाएंगे। स्टार्ट करके इसको फॉर्मेट कर लेते हैं। ये देखिए हो गया, ओके करेंगे। इसके बाद चूँकि पिछली बार हमने जो पेन ड्राइव बूटेबल बनाया था वो पावर आईएसओ एप्लीकेशन से बनाया था, इस एप्लीकेशन से बनाया था। अब जो है हम रफस एप्लीकेशन से, इस एप्लीकेशन से बूटेबल बनाएंगे। इसको स्टार्ट करते हैं, यस करेंगे और यहाँ पर देखिए कि पेन ड्राइव आपका सिलेक्टेड है। और सिलेक्ट बटन पे जा करके आपको विंडो 11 का आईएसओ फाइल सिलेक्ट करना है जहाँ आपने डाउनलोड करके रखा है। डिस्क पीसी में जा करके हमने ई ड्राइव में रखा है विंडोज़ आईएसओ, विंडो 11 की फाइल ये है आईएसओ फाइल, सिलेक्ट करके ओपन करेंगे। फाइल लोड हो गई। उसके बाद जीपीटी स्कीम है, ये एमबीआर, ये आपको सिस्टम के अनुसार सिलेक्ट कर लेना है। जीपीटी में ही रहने देते हैं
और यहाँ पर आप उसका प्रोडक्ट नेम भी कुछ दे सकते हैं, वॉल्यूम लेवल, जैसे कि विंडो 11, 11 64 बिट GPT, 64-bit GPT without TPM, without TPM, इतना करके और कुछ करने की जरूरत नहीं है, सीधा आप स्टार्ट बटन पे क्लिक कर दीजिए। तो जैसे आप क्लिक करते हैं तो यहाँ पर दो ऑप्शन आ जाते हैं, रिमूव रिक्वायरमेंट फॉर 4GB प्लस रैम सिक्योर बूट एंड TPM 2.0। जैसा कि आप देख रहे हैं TPM 2.0 को रिमूव करने का एक ऑप्शन है यहाँ पर, बाय डिफॉल्ट यहाँ पर टिक लगा हुआ आता है रफस में, आप अगर इसे हटा देते तो जैसा पावर ISO बनाती है वैसा ही बनेगा, तो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो पाएगी। तो ये जो टिक लगा हुआ आता है इसको हमेशा वैसे ही छोड़ देना है, रफस में ये ऑप्शन आता है, पावर ISO में नहीं आता है। तो बस ये दोनों ऑप्शन, और नीचे एक ऑप्शन है ऑनलाइन अकाउंट को हटाने के लिए, तो ये ऑप्शन भी होता है विंडो 11 में, ऑनलाइन अकाउंट बनाने का ऑप्शन आता है, बिना ऑनलाइन अकाउंट बनाए आप आगे नहीं बढ़ सकते हैं। अगर आपको ऑफलाइन अकाउंट बनाना है तो ये ऑप्शन भी लगा होना चाहिए। बस इतना ऑप्शन सिलेक्ट करके आपको ओके कर देना है, ओके करके ये बूटेबल बनने लगेगा। अगर आप इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो इसके अंदर क्या क्या प्रोसेस हो रहा है वो सब नज़र आएगा। बस आप वेट कीजिए, थोड़ी देर में ये बूटेबल बन जाएगा। ये प्रोसेस हमें आपको दिखाना था कि आखिर हम बूटेबल बनाते समय रफस एप्लीकेशन में क्या क्या सेटिंग्स करेंगे, क्योंकि ये बूटेबल हमने एक पेनड्राइव में पहले से बना रखा है। ये स्टेप्स हमने आपको दिखाया कि आप कैसे प्रोसेस करो, कैसे बूटेबल बनाओगे। एक हमारे पास एक और पेनड्राइव है, इस तरह का पेनड्राइव, इसमें हमने बिल्कुल जो सेटिंग आपको अभी रफस में दिखाया वैसे ही बूटेबल बनाया है। इस पेनड्राइव से हम बूट करके देखते हैं और इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन होता है या नहीं, सॉल्व होता है कि नहीं, हम करके दिखाते हैं। तो इस बार इस सिस्टम में रफस से बनाए गए बूटेबल पेन ड्राइव से हम सिस्टम को बूट कराते हैं और इस बार देखते हैं ये प्रॉब्लम बाईपास होता है कि नहीं। अब इस बार FN बटन प्रेस करके F12 प्रेस कीजिए, बूट मेनू में लेकर के आइए, USB शो कर रहा है यहाँ पर, USB एंटर कीजिए, बूट हो गया। देखिए सेटअप स्टार्ट हो गया, लॉन्च हो रहा है, थोड़ी देर में सेटअप आ जाएगा। बिल्कुल सेम हमने वही फाइल यूज की है, नेक्स्ट करेंगे, इंस्टॉल करेंगे। देखिए यहाँ पे भी आई डू नॉट हैव ए प्रोडक्ट की करना है, इस पर सिलेक्ट करेंगे, विंडो 11 प्रो सिलेक्ट करके नेक्स्ट कीजिए। अब यहाँ पर इस ऑप्शन को सिलेक्ट करके नेक्स्ट करना है। अब कस्टमाइज, देखिए यहीं पर ही वो मैसेज आता था मिनिमम रिक्वायरमेंट वाला, डज नॉट सपोर्ट मिनिमम रिक्वायरमेंट, और यहाँ पर कस्टमाइज का ऑप्शन आ गया। कस्टमाइज पे आगे जाएंगे, सिलेक्ट करेंगे तो ये पार्टीशन का ऑप्शन आ गया, और जैसा कि आप इंस्टॉलेशन करना जानते हैं, पार्टीशन बनाना जानते हैं, पार्टीशन करके आप इंस्टॉलेशन कर सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। जब वो एरर आए थे बस वो एरर बाईपास करना था, अब यहाँ पर हम पार्टीशन करके इंस्टॉलेशन कर सकते हैं, और ये सब आगे का प्रोसेस तो आप जानते ही हैं कैसे करना है। बस वो फॉल्ट को आपको दिखाना था कि इस तरह का फॉल्ट आएगा तो हम कैसे बाईपास करेंगे। तो इस तरह का अगर फॉल्ट आता है विंडो 11 इंस्टॉल करने में तो आप इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं, रफस एप्लीकेशन से बूटेबल बना करके जो TPM को रिमूव करने का ऑप्शन होता है उसको टिक लगा करके स्टार्ट करके बूटेबल बनाएंगे तो इंस्टॉलेशन हो जाएगा। ये एक फॉल्ट आया था, आजकल की विंडो 11 लोग इंस्टॉलेशन करवाते हैं उसमें ये समस्या आ सकती है, इसलिए हमने ये वीडियो बना दिया। तो इस तरह के और भी वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आपको लैपटॉप डेस्कटॉप से रिलेटेड कोई कोर्स करना है तो हमारे दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं आप।